जब भी हम सोचते हैं स्मूदी बनाने के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम किस टाइप के ब्लेंडर या मिक्सर को यूज़ करें हेलो फ्रेंड्स दिस इज योर फिट ट्यूबर राहुल बैक विद अनदर वीडियो स्मूदीज़ हमारे डेली के डाइट प्लान का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एक काफ़ी इजी मेथड है प्रिपेयर करने के लिए कंज्यूम करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड एज़ पर योर कैलोरी डिमांड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आप अपने हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्मूदी का बेनिफिट ये भी है कि जब आप इसमें फाइन साइज में कॉन्सिटूंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका एब्जॉर्बन बढ़ जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में उसका आपकी बॉडी को इजी एक्सेस मिलता है बिकॉज हमने उसको फाइन साइज में ब्रेक डाउन कर दिया है जिससे यू गेट अ रियली गुड एब्जॉर्बशन जब भी हम सोचते हैं स्मूदी बनाने के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम किस टाइप के ब्लेंडर या मिक्सर को यूज़ करें जब हम एक ऐसे स्टेट में होते हैं कि वी डोंट हैव राइट नाव एनी ब्लेंडर विद और हमको डिसीजन लेना है कि हमको कौन सा लेना चाहिए मैं भी कुछ टाइम पहले इस डिलेमा में था कि मुझे कौन सा ब्लेंडर लेना चाहिए फिर ओवर द टाइम मैंने अलग अलग ब्लेंडर्स को यूज़ किया एंड टुडे आई हैव सफिशिएंट डेटा जिसके जो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ जिसके बेसिस पे आप लोग अपना डिसीजन फ्रेम कर सकते हैं बेसिकली आज हम दो अप्लाइंसिस के बारे में बात करने वाले हैं एक है मिक्सर जिसको हम घर में मिक्सी भी बुलाते हैं दिस इज द बेस यूनिट इसके ऊपर जार लगता है दिस इज़ अ मल्टीपरपज अप्लायंस जो हमारे इंडियन फैमिली में यूज़ होती है एंड द अनदर वन इज़ दिस बुलेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट दिस सो ये बुलेट इज़ मोर ऑफ लाइक वेस्टर्न कल्चर अप्लायंस जिसको जनरली लोग स्मूदी के लिए यूज़ करते हैं और आजकल ये काफ़ी एग्रेसिवली मार्केट किया जाता है स्पेशली फॉर स्मूदीज तो मैं इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्विकली इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सो so दैट आप एक डिसीजन पे पहुंच सके कि आपके लिए इनमें से कौन सा सुटेबल है सबसे पहले आई टॉक अबाउट बुलेट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोज ऑफ बुलेट बुलेट की ये बेस यूनिट होती है जिसके ऊपर ये अटैचमेंट लगती है जार की अब इस जार का डिजाइन मेक्स डिफरेंस बिकॉज जो इसका ये जार है ये फिट होता है बुलेट पे कुछ इस तरीके से जब हम इसको ऑपरेट करते हैं सो वॉट हैपन्स इज कि जो ये बेस यूनिट है इसके अंदर ब्लेड होता है विच इज रिमूवेबल यू कैन सी सो जब आप ब्लेड को रिमूव कर सकते हैं तो इसको क्लीन करना काफ़ी ईजी होता है बिकॉज ब्लेड की एक्सेस आपको इजीली है यू कैन क्लीन दिस ब्लेड पार्ट ईजिली क्लीनिंग में इट गिव्स अस लिटल मोर बेनिफिट दूसरा एडवांटेज क्या है इस असेंबली का कि ये जो कंप्लीट जार है जब आप इसको स्क्रू की तरह रोटेट करके पूरा टाइट बंद कर देते हैं नाउ इट्स रेडी टू फिट इन दिस यूनिट एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है ये एक कम्प्लीटली सील्ड अरेंजमेंट होती है इसका बेनिफिट हमें ये है कि जो मेरा बेस है ये इसके चारों तरफ एक रबर लाइनिंग है जिस जो इस एज के अलोंग सीलिंग करता है अच्छे से बिकॉज सीलिंग करने के देर इज़ नो चांस कि जो अंदर मैं अभी घुमा के ब्लेंड करने वाला हूँ वो कहीं से बाहर निकल सके सो दिस एंश्योर्स कि आपका फूड आइटम है वो इससे बाहर नहीं आएगा इट इज़ सिक्योर्ड इन साइट बट अगेन इट डिपेंड्स अगर आप इसको लिमिट से ज़्यादा भर देंगे एंड इट हैज समथिंग लाइक प्रोटीन पाउडर विच टेंड्स टू मेक फॉर्म्स एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम तो वो प्रेशर डालने लगता है स्लोली अराउंड द थ्रेड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने के बाद यहाँ से लिक्विड बाहर आ सकता है तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि जो इसकी बेस यूनिट है जहाँ पे ब्लेड माउंट होता है ये जो ब्लेड और इसका जो बॉटम सरफेस है इसके बीच में क्लियरेंस काफ़ी कम होता है जब ये क्लियरेंस कम होगा तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं स्मूदी और आपने इसमें डालना है ओट्स अब ओट्स क्या होता है जनरली अगर हम आ, प्रेस्ड ओट्स लेके आए हैं जो कि फाइन नहीं पाउडर फॉर्म में नहीं है व्हाट आई जनरली डू इज़ मैं पहले ड्राई ओट्स को इसमें डालता हूँ और ये घुमा देता हूँ जिससे ओट्स फाइन पाउडर में ब्रेक डाउन हो जाता है सो दैट स्मूदी पीते हुए मुझे लम्ब्स या बड़े चंक्स ओट्स के ना आए तो ये एडवांटेज है कि एक क्लोज क्लियरेंस है ब्लेड्स के बीच में यहाँ पे तो उससे क्या होता है कि दीज ब्लेड्स आर सफिशेंटली कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन दोज रोल्ड ओट्स इन टू फाइन पाउडर तो ये एक तीसरा एडवांटेज है इसका ब्लेंडर का जो कि मिक्सर में नहीं होता विच आई विल एक्सप्लेन इन अ माइल अब आते हैं इसको ऑपरेट करने के मैकेनिज्म पर जब हम अपने फूड आइटम को वर्टिकली ऐसे करके डाल देते हैं एंड वी क्लोज द लिड एंड वी टर्न इट एंड वी आर रेडी टू पुट इट इनसाइड द यूनिट अब हर एक अलग अलग ब्रैंड में अलग अलग मेथड होता है इसको स्टार्ट करने के लिए सिंस आई हैव दिस मैजिक बुलेट ये एक इम्पोर्टेड बुलेट है फ्रॉम द फेमस ब्रांड मैजिक तो इसमें जो मेकेनिज्म है इफ़ आई कैन शो यू इसमें यू कैन इजीली सी दीज प्लास्टिक प्रोजेक्शंस ये तीन जगह पे हैं कंप्लीट सर्कल में ये प्लास्टिक प्रोजेक्शंस। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लास्टिक प्रोजेक्शंस ये जो लाइंस गई हैं ये जो लाइन्स गई है इसको प्रेस करते हैं तो जो ये प्रोजेक्शंस बने हैं मेरे मग में ये इसको प्रेस करते हैं तो जब तीनों वर्टिकल ये प्लास्टिक की टैब्स uh, हैं जब ये प्रेस होती हैं इकट्ठी मैन आई पुट इट दिस वे एंड आई प्रेस इट तो ये स्टार्ट होता है सो दिस इज़ द मेकेनिज़्म टू स्टार्ट इट और अगर इसको चलता छोड़ना है तो यू हैव वन ऑप्शन आप इसको प्रेस कीजिए जैसे ही टैब्स नीचे दबेंगी यू कैन ट्विस्ट इट और ट्विस्ट होने के बाद ये फिक्स हो जाएगा अपनी पोजिशन पर नाउ ऑल योर टैब्स आर प्रेस्ड एंड ऑल टैब्स आर प्रेस्ड और ये चलता रहेगा सिक्योरली जब आप इसको स्टॉप करना है यू कैन सिंपली टर्न इट एंड टेक इट आउट तो ये एक काफ़ी सिक्योर और सेफ मैकेनिज़्म है इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें आपको कोई चांस नहीं है कि एक्सीडेंटली ये अपने आप स्टार्ट हो जाए और आपका फूड मटेरियल स्पिल हो जाए अगर आप बेस यूनिट को ऑन करना भूल को ऑफ करना भूल जाते हैं विच इज़ अ केस इन मिक्सर्स नेक्स्ट एडवांटेज इज़ जो ये इसका यू कैन कॉल जार ये मग का भी काम करता है इसके साथ बॉक्स में यू गेट अ लिड जो यहाँ पे यू कैन क्लोज दैट लिड एंड नाउ दिस इज़ अ सील्ड मग यू कैन कैरी इट अलोंग आपने इसमें स्मूदी बनाई यू रिमूव दिस ब्लेड पार्ट आप इसके ऊपर लिड लगाइए बंद कीजिए एंड यू कैन यू आर गुड टू गो टू कैरी इट टू योर ऑफिस सो so, ये एक मक का भी काम करता है सो इट इज़ ट्रैवल फ्रेंडली सो द एडवाटेज की एक काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है छोटा यू कैन कैरी अ लॉन्ग एंड यू कैन मेक इट स्टैंड लाइक दिस बिकॉज इसमें जो ये प्रोजेक्शंस है दे मेक इट स्टैंड वर्टिकली ऑन एनी सरफेस सो ये सभी इसके प्रॉज हैं एडवांटेजेज़ हैं लेट्स टॉक अबाउट द डिसडवाटेजेज़ ऑफ दिस मैजिक बुलेट सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मुझे स्पेसिफिकली मैजिक बुलेट में समझ आया जब मैं इसको खरीद चुका था आई रियलाइज इट लेटर कि इसके ये जो जार है इसका साइज बहुत छोटा है अगर आप एक स्मूदी बनाते हैं जिसमें आप 250 सौ से थोड़ा भी ज़्यादा दूध डालते हैं यू हैव बनाना यू हैव प्रोटीन पाउडर यू आर एडिंग योर एग्स यू आर एडिंग योर ओट्स Uh, you are adding walnuts एडिंग uh, वॉलट्स There are a lot many things which you can add to it. तो so, एक लिमिट आ जाती है जिससे ज़्यादा आप इसको एड नहीं कर सकते पूरा भर जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है सो so, जनरली मुझे क्या करना पड़ता है पहले मैं एक अलग बड़े अपने शेकर का जो uh, मेरा ग्लास है उसके अंदर मैं पहले दूध अपना पूरा अलग निकालता हूँ इसमें मैं उतना ही दूध डालता हूँ जितनी इसकी कैपेसिटी एंड देन आई ब्लेंडेड और फिर मैं निकाल के उसको उस दूध में मिक्स करता हूँ सो इट्स इसका वो जो uh, ईज ऑफ यूज़ का पॉइंट है इस जार का इस ग्लास का वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं होता है क्योंकि इसको छोटा बनाया गया है जब मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी भी एक लिमिट होती है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा बनाऊँगा सो दीज ब्लेड्स डू नॉट हैव दैट मच कैपेसिटी टू क्रिएट फॉर लेक्शन एक बड़े मग में। जिसके चलते ये इनको छोटा बनाना पड़ता है आई थिंक सो जिसके लिए वजह से छोटा बनाते हैं काफ़ी मैंने ऑनलाइन सर्च किया मुझे कहीं नहीं मिला बड़े साइज का लेटर आई फाउंड कि uh, जो इसका दूसरा कंपिटिटर आई आई डोंट नो व्हाट टू से बट जो इसका दूसरा वेरिएंट बिकता है इस बुलेट अरेंजमेंट का विच कम्स अंडर द नेम न्यूट्री बुलेट न्यूट्री बुलेट में यू गेट लार्ज साइज जार्स सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन एंड आई सॉ वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल कि उसमें कंपेरिजन में इट वॉज ईजिली शोन कि जो न्यूट्री बुलेट का बड़ा जार है दैट हैज़ बेटर स्वर लैक्शन जिससे आपके सारे कॉन्सिटेंट मिक्स हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है अगर आपने इसमें ज़्यादा कॉन्सिटूंट भर दिए तो जो आपके ओर्ट्स हैं वो ऊपर बैठे रह पड़े रह जाते हैं और नीचे का स्वर लेक्शन से घूमता रहता है वो मिक्स नहीं होता है सो द स्वर लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आई फाउंड इन अ वीडियो ऑन यूट्यूब की न्यूट्री बुलेट में अच्छा है कम्पेयर टू दिस वन तीसरा नुकसान क्या है कि जो इसका मैकेनिज़्म बनाया है सेफली एक्चुएट इसको स्टार्ट करने के लिए वो इन तीन लग्स या तीन जो प्रोजेक्शंस है इसके बेसिस पे चलता है अब ये बहुत छोटी प्रोजेक्शंस है एक कंपनी ने इसको काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ डिज़ाइन किया है इसको लगभग दो साल तीन साल होने को आया है जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको बट ओवर द टाइम दीज प्लास्टिक प्रोजेक्शंस आर मेंट टू बी ब्रोकन डाउन सो एक मेरी ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहाँ से टूट चुकी है आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी ये एक प्रोजेक्शन टूट चुकी है और जबकि ये जो मेकेनिज्म है ये तीनों प्रोजेक्शन से जो टैब्स हैं वो इकट्ठी दबनी चाहिए तभी ये काम करता है सो so, मुझे इसको अब चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो एक पार टैब नहीं दबी मैं उसको एक फोर्क फंसा के चलाता हूँ सो दिस इज अनदर वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेकेनिज्म क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये अलग से खरीद लेंगे ये मैंने मैजिक बुलेट उनतालीस सौ का लिया था और आई थिंक जो इसका ये मग है ये 2000 से नीचे नहीं मिलेगा 2000 भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ सो इट्स डैट मच एक्सपेंसिव तो आपको ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि इसको चलाने का मैकेनिज्म को लेगा क्योंकि आफ्टर सम टाइम इट इज़ मेंट टू बी ब्रोकन डाउन इसकी अगर आप असेसरीज़ की बात करें जो इसका बॉटम पार्ट है ब्लेड का इनिशियली इसमें दो ब्लेड की अरेंजमेंट आती है आपके बॉक्स में एक होती है ये चार ब्लेड वाली जिसमें प्लस अरेंजमेंट होती है और जो दूसरी अरेंजमेंट है उसमें सिर्फ ये जो बॉटम के दो ब्लेड्स हैं सिर्फ ये होते हैं मैं इसको यूज़ करता था ये सोच के कि ये अच्छे से स्वर्ल क्रिएट करेगा दो ब्लेड इसमें ऊपर उठे हुए हैं तो वो उसको फूड को पकड़ पकड़ के लाएंगे इसमें ब्लेंड करने के लिए बट हुआ क्या कि मैं इसको यूज़ करता था ओवर द टाइम जो ये है ये लूज़ हो गया है आप इजीली सुन भी सकते हैं इसकी आवाज़ ये लूज़ हो चुका है ये एक्सेली मूव कर सकता है जिसके चलते अगर मैं इसमें कुछ भी लिक्विड डालता हूँ वो यहाँ से लीक आउट होता है और इसके अंदर तक चला जाता है विट्स मेक्स इट रिस्की कि ये ख़राब हो सकता है जिसके चलते अब मैं जो इसका दूसरा ब्लेड सेट है उसको यूज़ करता हूँ और जो इसके ब्लेड्स आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है काफ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है समथिंग लाइक like कि उसके पैसे में एक आप सस्ता कंप्लीट मिक्सर खरीद सकते हैं इसके महंगे होने का रीज़न विच आई थिंक इज दिस कम्प्लीट यूनिट इज इम्पोर्टेड जब मैंने मंगाया तो इसमें अरबिक लैंग्वेज का बॉक्स था कम्प्लीट आई थिंक सऊदी अरेबिया से इम्पोर्टेड था ये सो दैट इज़ द प्रॉब्लम और द पॉसिबल रीज़न जिसके चलते ये महंगा हो सकता है कुछ इंडियन ऑप्शनस आते हैं जैसे वंडर शेफ का आता आई थिंक वो भी सिमिलर अरेंजमेंट होता है एम नॉट श्योर अबाउट इट्स अबाउट दैट प्रोडक्ट्स रिलायबिलिटी कि वो कितना लंबा चलता है बिकॉज इसकी जो ये बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है तो अगर वो आपको ऑप्शन मिलता है वो सुटेबली परफॉर्म करता है तो आई थिंक उसकी एसेसरीज सस्ती होंगी दैट कैन बी अवाइबल ऑप्शन फॉर यू टू गो फॉर जो नेक्स्ट ड्रॉबैक मुझे इसका समझ आया है कि ये एक फिक्स स्पीड पे चलने वाला डिवाइस है एक बार आपने इसके अंदर जार को लगा के ट्विस्ट कर दिया ये अपनी स्पीड पे रोटेट करेगा इसमें वेरिएबल स्पीड का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप स्पीड अप डाउन कर सकें आप सिर्फ बंद कर सकते हैं और चला सकते हैं डट सेट तो अगर आपको कोई चीज ज्यादा फाइन करनी है तो आपको लंबे टाइम तक इसमें छोड़नी पड़ेगी यू डोंट हैव ऑप्शन कि आप उसको ज्यादा स्पीड से रोटेट करके जल्दी से उस चीज को ग्राइंड कर सके या ब्लेंड कर सके इसका जो एक और ड्रॉबैक है कि आप अगर इसमें कोई ऐसी चीज डाल के घुमाते हैं आप कुछ ऐसा पीसना चाहते हैं कि जो टेंडेंसी रखता है साइड में चिपकने के बॉल की तो जनरली उन चीजों में हम क्या करते हैं इफ वी हैव दीज आवर देसी जार्स जिसमें हम करते हैं मिक्सर के जिसके बारे में मैं अभी आऊंगा तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इसमें अगर आप एक नारियल की चटनी बना रहे हैं तो वो अगर साइड में लगती है तो यू कैन स्क्रैप इट एंड पुश इट अगेंस्ट दो ब्लेड्स उन ब्लेड्स के में पुश करके यू कैन क्लोज द लिड एंड यू कैन स्टार्ट अगेन बट इसमें लोचा है कि जो ब्लेड्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं तो आपको कोई चीज़ स्क्रैप करके पहले नीचे गिरेगी फिर आप बंद करोगे फिर आप उसको झड़का के लेके आओगे ब्लेड्स के पास एंड देन यू कैन यूज इट तो इसमें वो सभी चीज़ें जो साइड पे चिपकती है और उन जिनको पीसने के लिए आपको बार बार इंटरमीटेंट तरीके से इसको कुछ अपने जार को खोल के स्क्रैप करके फिर से ब्लेंड करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपको अगर इसमें स्मूदी बनानी है तो यू हैव टू एक्चुएट इट जब वो स्टार्ट हो जाए यू हैव टू मेक इट मूव लाइक दिस सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे इफ़ यू वॉन्ट टू क्रश आइस इन दिस वन वो इसकी मैनुअल में लिखा हुआ है सो so, ये इज़ी हैंडल कर सकते हैं आप उठा के इसको मूव कर सकते हैं तो दैट्स हाउ यू नीड टू मेक द थिंग्स मूव अप एंड डाउन क्लोज़र टू योर ब्लेड्स अगर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रही अपने आप सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक फॉर दिस वन आई थिंक तो ये सभी इसके ड्रॉबैक्स हैं इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं मेरे व्यू में इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है वो है कि अगर आपको सिंगल पर्सन के लिए अगर कोई कम क्वांटिटी में स्मूदी कंज्यूम करता है तो उन लोगों के लिए दिस इज सफिशियंट वन अगर आप पाउडर्स बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप चिया सीड्स फ्लेक्स सीड्स वॉलनट्स आलमंड्स या ओट्स इन सबको पाउडर करना चाहते हैं दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट अगर आप एग्स को व्प करना चाहते हैं क्विकली या उसको एग्स uh, को ब्लेंड करना चाहते हैं विद योर ओट्स या फिर ब्रेड के साथ आप उसको घुमा के कंप्लीट एक पेस्ट बनाना चाहते हैं दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगेन या फिर अगर आप कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो अगेन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन दीज आर द फीचर्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें लेट्स टॉक अबाउट आवर मिक्सर